हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी गर्मियां हैं और गर्मियों में पेड़ पौधे जब नहीं होते हैं ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो थैंक गॉड कि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा, जहां हम रहते हैं आर्मी एरिया में, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और हमारा गार्डन किस तरीके का, मतलब गार्डन नहीं था, जगह थी, उसको हमने किस तरीके से बनाया है गार्डन को, चार महीने की मेहनत है और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, तो आज मैं उसी का आपको टूर कराऊंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पे, और तो इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। हम लोग जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा एक गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो हम लोग जितना कर सकते हैं हमने उतना करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, हम हर जगह ही करते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे का क्वार्टर मिला हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़े से मेहनत ज़्यादा करके इसको अच्छा बनाया है, और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, फल फ्रूट वगैरह सभी चीज़ों, फूल वगैरह सभी आते हैं। तो वो हमने किस तरीके से किया कि पहले कैसा था और अब किस तरीके का हो गया, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पौधे हमने लगाए हैं, तो वो मैं सब आपको बताऊँगी। और बहुत ही अच्छा वीडियो है, और गर्मियों में इसको देखने से आपको बहुत ही आँखों को अच्छा लगेगा। वैसे भी सुबह सुबह उठो तो अगर आप अपने गार्डन को देखते हो, उसमें हरियाली, तो बहुत ही अच्छा होता है आँखों के लिए। और फिर देखिए, यहाँ पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह 1 से 1.5 घंटा मुझे पानी लगाने में लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है उसमें। तो देखिए, ये इस तरीके का हमारा पूरा जो स्टार्टिंग का था, वो कुछ इस तरीके से झाड़ और कुछ भी नहीं था, ये सारा गंदगी थी यहाँ पर, इस तरीके से हमें मिला था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वीडियो मैंने पहले बनाया था वो दिखा रही हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट हो जाते हैं इसको सही करने के लिए। तो सबसे पहले जाते हैं हम नर्सरी, जहाँ पे पेड़ पौधे, गमले, मिट्टी, खाद वगैरह सारा कुछ लेना। ये नर्सरी थी, ये आप देख सकते हैं हमारे आर्मी कैंटीन की, आर्मी की। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पौधे थे, तो ये यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी पौधे लिए और गमले लिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था, उसको देख के ही ऐसा लग रहा था कि हाँ सारा कुछ ले लिया, सारे पौधे। तो काफ़ी हमने पौधे लिए और काफ़ी प्लांटर लिए और खाद वगैरह, बीज वगैरह लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ थे क्योंकि हम साथ में लेकर आए थे, और कुछ हमने ज़मीन में भी लगाए हैं। तो इस तरीके से तैयारी की है हमने, और अब हम इसको लगाने की तैयारी करेंगे। तो नर्सरी में यहाँ पर हम लोगों को पौधे इजीली मिल जाते हैं, वैसे भी पुणे में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी नर्सरी हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पर हम लोग आर्मी जो एरिया है, वहाँ पर पौधे मिल जाते हैं, रेट भी सही रहता है और गारंटी रहती है, तो इसलिए। तो देखिए, ये हमारी तैयारी शुरू हो गई है, हमने बहुत सारे पौधे, देखे आप लोग देख रहे हैं इतने सारे प्लांट जो हैं हम लोगों ने लगाए थे, इनमें बहुत सारी मेहनत की। और ये एक दिन की नहीं है, ये हम लोगों को 4 महीने से हम कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा वीडियो जहाँ पर मैंने बनाया है वो सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड सारा मेरे साथ में करा रहे थे, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पौधे लगे हो ना तो घर में बहुत ही सुंदर माहौल रहता है। एक आप वहाँ पे गार्डन में अपने शाम की चाय पीजिए, या सुबह सुबह आप उठ के अगर गार्डन में चले जाओ, तो आपका अगर मूड ख़राब भी है ना तो वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये हमने कुछ क्यारी वगैरह बना के इस तरीके से प्लांट लगाना स्टार्ट किया। तो ये आप बताइएगा इसमें कौन कौन सा प्लांट आपके यहाँ लगा हुआ है, अगर आप लगाते हैं तो। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा जो है मनी प्लांट है, जो काफ़ी सुंदर लगता है। अभी तो ये और बड़ा हो गया, ये थोड़ा पहले का है। और ये इस तरीके से देखिए पाम प्लांट है, ये देखिए जामुन का पेड़ है, और जामुन इस समय, जब ये मैंने बनाया था तब नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जामुन बहुत सारी आ रही है, मैं आपको आगे आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पर जामुन का पेड़ है हमारे गार्डन में, और आम का पेड़ है, और इस आम के पेड़ में ये खासियत है कि इसमें हर 6 महीने के बाद आपको, मतलब ठंडी में भी आते हैं आम, और इस समय तो आते ही हैं, बहुत सारे आम आए हैं। मैंने अचार वगैरह का डाला था, अगर आपने देखा होगा,
तो वीडियो मैंने अचार बनाया था। जामुन बहुत सारी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जामुन है, और गिलहरी वगैरह। ये देखिए हमारे गार्डन में नींबू का पेड़ है। अब ये मैं आगे और दिखाऊंगी। ये स्टार्टिंग में जब ये थोड़े से हरे हरे थे तब का है, और ये फिर हम लोगों ने और भी ज़्यादा मतलब पौधे और लगाए थे, थोड़े और बढ़ गए थे जब पौधे, तो हमने थोड़ा और उसको थोड़ा सा किया। और ये देखिए बहुत ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर एक बंदे को बुलाया था हम लोगों ने थोड़ा सा साफ सफाई करने के लिए। और ये देखिए सूरजमुखी का पेड़ भी इतना बड़ा हो गया, उसमें फूल आने लगे हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है गार्डन। और मेरा गार्डन जो है वो क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर है तो उसमें हमने बनाया है, और उसके बाद हमें काफ़ी हद तक ये छोड़ के ही जाना पड़ता है जब हम यहाँ से जाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पौधे ले जा गमले ले जाते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, मैं इसको सुना था कि इसको गंधराज बोलते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जब रात में आप बैठे होंगे ना तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू आती है। ये अपराजिता जो होता है, ये शंकर भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं पर्पल कलर का, उसकी मैंने बेल लगाई है। अभी थोड़ी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए तीन, और ये आप इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा फूल आता है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको लेके जरूर चलती हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है ये। यहाँ पर थोड़ा सा गुलाब के जो पौधे लगाए थे उनमें भी फूल आने लगे हैं, और ये काफ़ी कलर के मैंने पौधे इसमें गुलाब के लगाए हैं, रेड कलर का भी है। ये थोड़े से अलग थे तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। यहाँ पर देखिए आप, ये अपराजिता का पेड़ है, अब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है। ये हमारा मनी प्लांट बहुत सुंदर होता जा रहा है, ये देखिए। और ये है हमारे जामुन का और आम का पेड़, आपको इस पे दिख रहे होंगे या नहीं पता नहीं, मैं बहुत क्योंकि बहुत ऊंचा है तो जितना नीचे से दिख रहा था मैं उतना ही दिखा पा रही हूँ। ये इस तरीके से हमारा कुछ कुछ गार्डन देखिए। और ये जो आप पीछे बॉल देख रहे हैं ना, ये सब भी हमने खुद लगाई है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जंगल था, और उसको हम मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारी जो सीड्स आती हैं ना वो लगाई हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ बिल्कुल बेकार हो रहा था, और उसको हम लोगों ने थोड़ा क्योंकि अंदर बैठे हों तो बाहर का ना, क्योंकि रोड है मेन तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता, जाते आते रहते हैं लोग, तो ये सारा हमने लगाया है पीछे जो भी दिख रहा है आपको। ये नींबू का पेड़ है जो अब काफ़ी हद तक इसमें जो नींबू है ना काफ़ी बड़े हो गए, ये आपको दिख रहे होंगे, थोड़े थोड़े पीले से हो गए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ यहाँ पर। और ये तुलसी का पेड़ है, ये सूरजमुखी है, और ये देखिए हमारा करी पत्ता का पेड़ बहुत ही सुंदर हो गया है। इसके नीचे हमने थोड़ा सा पुदीना और धनिया दोनों ही लगाए हैं, पुदीना थोड़ा आने लगा है, धनिया में थोड़े थोड़े पत्ते आने लगे हैं। जो धनिया की हम धनिया की गड्डी लाते हैं ना, उसके धनिया के ऊपर का काट के मैंने उसकी जड़ लगा दी थी, उसी में आने लगा है। और ये देखिए फूलों का पेड़ है, ये बहुत सारे हमारे पास ये गुड़हल के पौधे हैं, और ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे भी इसको डेकोरेट भी कर दिया, देखने में अच्छा लगता है। ये विंडो में लगा रखा है हमने इस तरीके से, तो ये बहुत ही सुंदर अब गार्डन हो गया है, आपको दिख रहा होगा। और ये इस तरीके से हमने गार्डन में सारा कुछ लगा दिया है। पानी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लगाना ही पड़ता है, डेली ही पानी लगाना पड़ता है। और इस समय जो है जामुन जो है ना बहुत ज़्यादा गिरती हैं, तो झाड़ू सफाई बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि गिलहरी पूरा गंदा कर देती है। यहाँ पर देखिए चिड़िया जो है ना डेली आती है, मैं उसको दे आपको दिख रही है या नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है, दे मतलब बहुत सुकून मिलता है मुझे अपने गार्डन में बैठ कर उसको देख कर। मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ तो भी इसको देख लेती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हमने इतना अच्छा इसको कर लिया है, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उनको लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरा छोटा सा गार्डन आपको कैसा लगा। ये हमने बहुत मेहनत करके बनाया है, अगर इसको आप ढेर सारा प्यार दीजिए और बताइए कैसा लगा। तो ये है हमारा छोटे से गार्डन का टूर,
और ये गवर्नमेंट क्वार्टर है जो हमें मिलता है, तो उसका मैंने पहले भी आपको दिखाया कि गवर्नमेंट क्वार्टर कैसा था और हमने कैसा कर दिया। ये देखिए कितनी मेहनत से हमने ये पूरी वॉल बनाई है। ये बिल्कुल ओपन था और इसको हमने लगाया है इस तरीके से कि यहाँ पर हम बैठ सकें और आराम से खाना भी खा सकते, कुछ भी यहाँ पर। तो ये हमारा छोटा सा गार्डन है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए मेरे गार्डन को। And I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here.